श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैं नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में पीपल हूं, जीवों में सिंह हूं और ऋषियों में भार्गव हूं। इस गांव के हम भार्गव गोत्र के भृगु वंशज, इस गंगा के तट पर आप तमाम दूर दूर से आए हुए विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम क्या बताएं, आप सब जानते हैं, यहां पर मां अहिल्या का मंदिर है, यह पावन नगरी है और इतिहास साक्षी है कि जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, इतना आधुनिकीकरण नहीं हुआ था, उस समय दूध बेचना हम लोग शिकायत समझते थे। जिसके पास दूध होता था वह अगल बगल दे देता था, बांट देता था, लेकिन बेचता नहीं था। लेकिन आज औद्योगिक क्रांति के युग में आज दूध बेचा जाने लगा, हमारे इतिहास में यह एक नया अध्याय हुआ। दूसरी बात, गांव में खपड़ेल मकान थे, आज तमाम जो है ईंटों के मकान हो चुके हैं। तमाम बातें हुई। 1764 ईस्वी की लड़ाई मैं तो भूल गया था उसको याद करने में कि 2.5 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन जब देवेंद्र जी का पत्र मिला तो मैंने देखा और कहा कि नहीं, आज तो इन्होंने याद दिला दी कि 1764 और 2014 250 वर्ष पूरे हो गए। और अंग्रेजों को यहीं से जब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम, इन तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने शिकस्त दी तो यहां उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली और यहीं से उनके पांव इस भारतवर्ष में जमे और पूरे भारतवर्ष पर उन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया।